संसद भवन से हमारी इस विशेष कवरेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ मेहमान के तौर पे जुड़ गए हैं जगदम्बिका पाल जी, जो कि एक बहुत ही इनका अनुभव रहा है संसद का। कई बार सांसद रहे हैं, पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में आए, और उसके बाद इनका जो संसदीय जो अनुभव है वो काफ़ी लंबा रहा है। ये प्रिजाइडिंग कमेटी जो होती है स्पीकर की, उस तौर पे भी शामिल रहे हैं, और जो प्रक्रियाएं हैं कई बार हम इनसे समझते हैं कि आखिरकार अगर संसद में कोई मामला आता है, कोई संसदीय कार्रवाई होती है, तो उसके नुआंसेज क्या हैं, उसके मतलब क्या है, ये हमें समझने में हमें मदद करते हैं। आज हमने इनको विशेष तौर पर इसलिए बुलाया है क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद संसद में 75 साल की जो उपलब्धियाँ रही हैं, जो सीख रहे हैं, जो अनुभव रहे हैं, उस पर चर्चा होगी, और आप एक अनुभवी सांसद हैं, ज़रूर ही आप भी उसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो ये 75 साल में जो उपलब्धियां रही हैं, आपकी नज़र में अगर 2 या 3 बड़ी उपलब्धियों की बात करें या 4 बड़ी उपलब्धियों की बात करें तो क्या रही हैं? देखिए, एक तो आज ये पार्लियामेंट का जो स्पेशल सेशन हो रहा है, पूरे भारत की नहीं दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। लेकिन मैं समझता हूँ किसी भी देश को या किसी भी सोसाइटी के उस जो पार्लियामेंट जैसी है, अगर वो अपने अतीत को, अपनी उपलब्धियों को या अपने उस संसदीय यात्रा के, आज 75 साल पूरे हो रहे हैं, पूरे देश ने एक अमृत काल के रूप में मनाया, तो पूरा देश अगर आज़ादी के अमृत काल को गांव-गांव तक, हमने मेरा माटी मेरा देश, गांव से हम उन शहीदों के यहाँ से एक चुटकी मिट्टी या एक चुटकी अक्षत लेकर के ब्लॉक पे, जिले पे और आगे दिल्ली में एक अमृत वाटिका बनाएंगे उन शहीदों के याद में, तो जो भी कोई अपनी पुरानी अतीत उन शहीदों के या अपनी संसदीय प्रक्रियाओं के उन पे चर्चा नहीं करता है जी, तो मुझे लगता है ये अवसर है, अन्यथा फिर वो देश आगे नहीं जा सकता जी, क्योंकि हमेशा अतीत भविष्य के लिए एक रोड मैप बनता है। तो ये 75 साल जो हमारा एक संसदीय प्रक्रिया हुआ, मैं उसमें ये कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि आज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी साउथ ईस्ट एशिया में, अगर आप पाकिस्तान में देख लें किस तरह डायलमा में है, श्रीलंका में देख लें किस तरीके की स्थिति है, या अपना बांग्लादेश में देख लें, मालदीव में देख लें, तो आज पूरे में जहाँ हम लोग थे एट पार थे, हमको कहते थे कि हमने ब्रिटिश से 1947 के बाद हमने अपनी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ली, लेकिन आज लगता है कि जहाँ उदाहरण दिया जाता था कि अमेरिका में डेमोक्रेसी बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन आज तो अब दुनिया ये महसूस कर रही है, पाकिस्तान के लोग तारीफ कर रहे हैं कि साहब इंडियन डेमोक्रेसी बहुत ही स्ट्रांग, वहाँ की जनता, वहाँ की लीडरशिप पूरे देश के हित में, तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि इंडियन डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग हुई है। आपके कहने का ये मतलब है कि पिछले 75 साल में जो कुछ हम लोगों ने हासिल किया है उसको जनता से जोड़ने की ज़रूरत है, जो आपने एक चुटकी माटी की बात की और जिस तरीके से इस अमृतकाल के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की बात है, तो आपको लगता है कि कुछ चीज़ें, कुछ उपलब्धियाँ, कुछ ऐसी बातें जो आम जनता तक उस रूप में नहीं पहुँची थी, कोशिश इस सरकार की है कि उस रूप में उसको लेकर जाया जाए? एक सही सवाल है कि जनता जब चुनती है किसी को, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, और फिर ये कंपोजिशन सरकार और विपक्ष का बनता है, तो यहाँ कुछ विधेयक पारित जब होते हैं या चर्चा होती, तो आम जनता उसे सीधे, उसको लगता है कि केवल कानून बनाने की एक जगह है पार्लियामेंट की, लेकिन पार्लियामेंट में केवल एक कानून तो महत्वपूर्ण है, कानून के साथ आपने देखा कि योजनाएं कितनी बनाई गई। आखिर पहली बार आपने देखा ना कि अगर कोविड की वैश्विक चुनौती आई और उस वैश्विक चुनौती में पूरी दुनिया में एक ठहराव आ गया, तो किस तरीके से इस सरकार ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये सोचा कि आम आदमी कहीं स्टार्वेशन का शिकार ना हो जाए, भुखमरी का शिकार ना हो जाए, तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति गेहूं या चावल मुफ्त देने का फैसला हुआ, और पिछले 3 साल से तो यहाँ पे कोई क्राइसिस नहीं हुई। कितनी बड़ी उपलब्धि उमाशंकर जी है कि वही चीज़ आज G20 में जो बाइडन तारीफ कर रहे हैं कि वर्ल्ड की हंगर पे, फूड सिक्योरिटी पे नरेंद्र मोदी जी ने जो पहल किया है, तो एक देखिए इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से अनुभव हुआ कि कोविड में एक पैंडेमिक क्राइसिस अगर आई तो उस पैंडेमिक क्राइसिस में किस तरीके से सरकार को पहल करना चाहिए, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है मतलब कोई, और उसकी पहल में देखिए पाकिस्तान में या श्रीलंका में लोग राष्ट्रपति भवन में घुस गए एक सवाल के लिए, खाने के लिए, पाकिस्तान की जो परिस्थितियाँ, और दूसरी बात की उपलब्धियाँ ये नहीं कि आज हम G20 की उपलब्धियों की बात करें, आप सोचिए कि कितनी बड़े बड़ी योजनाएं हुई जी, प्रधानमंत्री स्वनिधि कभी सोचा कि हम अगर रेडी पटरी वालों को कोविड में हम
मतलब सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं, लॉकडाउन हो गया तो उनके लिए क्या हो, ये इतनी बड़ी उपलब्धियां लोगों को छोटी लगती होंगी कि, लेकिन 10,000 बिना कोलेटरल के बैंक के और लोगों को दे दिया गया, लोग घर से वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिए, तो इस देश की अगर मैं उपलब्धियां करूं तो सारे दिन वहां से कर्ज लग जाए। मैं धारा 370-35 की समाप्ति की बात करूं, बिल्कुल वो भी चर्चा तो बड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मेरा एक सवाल है, मंदिर की बात करूं, मेरा एक सवाल ये लगता 500 वर्षों का था, तो आज काम तो इतने बड़े बड़े हुए हैं कि मैं अगर एक एक करूं एक्सप्लेन तो शायद बहुत लग जाएगा। मेरा एक सवाल है सोसाइटी की, जो आप इस सरकार के कार्यकाल की बात करते हैं, उपलब्धियों की बात करते हैं, वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन विपक्ष के भी कुछ सवाल हैं, और विपक्ष के सवाल की बात जब मैं करता हूं तो इसलिए क्योंकि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं जब हम संसद की बात करते हैं तो विपक्ष भी उसका एक हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। और विपक्ष ये कहता है कि चाहे बेरोजगारी की दर हो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, चाहे जो चुनौतियां हैं लोगों के जीवन की, महंगाई है वो बढ़ गई, तो इन सब सवालों को लेकर वो सरकार को घेरने की कोशिश करती है, तो आपको नहीं लगता कि ये चुनौतियां भी हैं अभी सरकार के सामने? नहीं, विपक्ष अगर इतना महत्वपूर्ण है तो आप, उमा शंकर जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ लूँ कि पेगासस पे, जिसका इंडिया के से कुछ लेना देना नहीं, पूरा सेशन वॉश आउट कर लिया, आप सोचिए कि नॉन इशूज पे पार्लियामेंट नहीं चलने देते, कब सरकार ने किसी सेशन पे इन्होंने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के कोई ऐसा दबाव बनाया हो कि जिस पे सरकार ने कहा हम नहीं चर्चा करेंगे, उस पे सदन को वॉश आउट किया हो? हम तो महंगाई पे, बेरोजगारी पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अभी मैं आज सुन रहा था, आज रिपोर्ट देख रहा था, जब पाकिस्तान में 35% रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, हम 4.5% पे हैं, आज हमारी GDP इंडिया जो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, आखिर ये बात तो IMF ने क्या कहा कि 2027 तक हम दुनिया की तीसरी अर्थशक्ति हो जाएंगे, तो फिर ये नहीं सोच रहे हैं कि पूरे कांग्रेस UPA में डबल डिजिट से कम इन्फ्लेशन नहीं था, महंगाई वो सुरसा की तरीके थी, आज 5% से नीचे आई है महंगाई, और जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत में, स्टार्टअप में, आपने मुद्रा लोन में, आपने देखा MSME जो बंद हो रहा था, जो सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइडर है, उस पर 3 लाख करोड़ का इन्फ्यूजन किया है, तो मुझे लगता है कि आज चर्चा कर लें जी। भाई सवाल उठाने का बिल्कुल हक है और सवाल करना भी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है दुनिया के फ्रंट पे महंगाई और बेरोजगारी पे भी सबसे बेहतर काम हमने किया, आज दुनिया उदाहरण दे रही है।